तो हेलो गाइस, चलो फिर चलने हैं। हीरो हमारी पोलो तो यहाँ पे आ नहीं पाती, इम्पल्स आ जाती जो पुराने अली बाइक। हाँ, इम्पल्स आ जाती, लेकिन तो देख सकते हो हम कितने दूर से आ गए। जो पहाड़ है वहाँ पे है पुल, और उससे हम चलते 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 यहाँ पहुँच गए। अपने फाते भी नहीं दिखाया ना। कबूतर को चारा दे रहे टाइप से, देखो तो इतना दे रहे हैं, कोई बात होती है बताओ। हम 2 घंटे से हम स्विमिंग करते करते, लेकिन ये अभी भी कर ही रहे हैं, इन्हें थकान नहीं लग रही है। वो बन जाते ना स्विमर तगड़े वाले, लेकिन काफ़ी सीख चुके हैं लोग, और बाकी लोग थक चुके हैं। और आप कहाँ जा रहे हो? हेलो गाइस, तो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे, तो आज हमारा प्लान बना है अमिया जाने का, अमृतपुर। हल्द्वानी वालों ने नाम सुना ही होगा अमृतपुर का। तो फिर आज हम जा रहे हैं अमिया। तो आज संडे है, तो फिर सोचा थोड़ा घूम के आते हैं, चिल करके आते हैं। तो फिर विमल भाई का फ़ोन आया था कि अमिया जाते हैं करके। तो फिर हम लोग मतलब है 7-8 लोग हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन हम 7-8 हैं। तो देखो फिर कैसा रहता है आज का दिन। और आज गर्मी भी बहुत हो रही, तो हमने सोचा कि स्विमिंग पूल का तो मैंने आपको ब्लॉग दिखाई दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, अब क्यों ना थोड़ा मतलब जो नेचुरल वाटर जो पहाड़ों से आता है, तो उसका भी ब्लॉग एक तो बनता ही है ना। तो आज मौका भी अच्छा था, तो आज संडे भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अमिया का ये एक ब्लॉग बनाया जाए कि जो हल्द्वानी के लोग हैं, तो एटलीस्ट वो भी कभी मतलब अगर स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहते, नेचुरल में थोड़ा मतलब पिकनिक टाइप से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रह जाएगा। वीडियो देख के आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया आ जाएगा कि हाँ मतलब अमिया भी मतलब सही है स्विमिंग पूल, और आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको स्विमिंग पूल जाना है या फिर अमिया जाना है। तो फिर चलते हैं, अभी भाई लोग अभी वेट कर रहे हैं ऊपर, तो फिर चलते हैं और फिर आपको बताएंगे आगे फिर बातें करते रहते हैं आपसे। तो फिर आप भी थोड़े सफ़र के मज़े लीजिए, तो मैं भी थोड़ा ड्राइव कर लेता हूँ। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, ओके। एक भांजा है, एक छोटा भाई है, तो ये भी साथ में चल रहे हैं। इनका भी मन है शायद से, तो कह रहे हैं कि मुझे भी लेके जाओ, तो वो लेके जाना है इनको भी। थैंक यू। चलो फिर चल रहे हैं, पानी सब कुछ ले लिया है हमने, अब चल रहे हैं। तो हमने सामान वगैरह ले लिया है, और हमारी एक गाड़ी है आगे, ये है विमल भाई की गाड़ी, ये है अपनी गाड़ी पोलो भाई। तो जो आप ये रास्ता देख रहे हो ये भीमताल रोड है और हमें यहाँ से राइट लेना है और जो ये रास्ता है ये आगे जाके छोटा कैलाश में जाके मिलता है और इसी रास्ते में ही अमृतपुर पड़ता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अमृतपुर और आपको दिखाते हैं ये जगह। ये है अमृतपुर और ये रहा अमृतपुर का स्विमिंग पूल, देख सकते हो। गर्मियों में बहुत भीड़ है यार यहाँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे चिकन विकन दे के बनवा सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे। चलो दिखाते हैं आप। तो भाई हम लोग भी इतने लोग आ गए, हम लोग भी है 10-12 लोग हैं। तो भाई लोगों तुम क्या देख रहे हो यहाँ से? हाँ यहाँ से ये पता नहीं क्या देख रहे हो। चलो हम भी देखते हैं लेकिन आंखों से। अच्छा तो ये देख रहे हो तुम, लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। देखो गर्मियों का मौसम आ गया ना, चुपती चलती गर्मी, तो फिर वो गर्मियों में एंजॉय करते हुए देखो। और भाई लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं खपचे में। लेकिन गर्मी, धूप तो बहुत तेज है यार, हालत ख़राब हो गई है। देख सकते हो सब एंजॉय कर रहे हैं। एक बैठने का जगह ये भी है। आप अब जो ये पुल है ना इसके जस्ट ऊपर होटल है, आप वहाँ से क्या कहते हैं मतलब खाना वाना वहाँ बनवा के और आराम से आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर मतलब छाया में इस नज़ारे के थोड़े से मज़े ले सकते हैं। तो हम भी थोड़ा सा इस नज़ारे के मज़े लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। संडे है ना, तो देख सकते हो आप कितनी भीड़ है और लोग ऑटो भी धोने के लिए आ रखे हैं। आज संडे भी है तो वे सब चिल आउट करने के लिए आ रखे हैं। जैसे हम आए वैसे सब लोग चिल आउट करने के लिए आ रखे हैं, देख सकते हो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन में बैठ के अब हम जा रहे हैं, जो रोड दिख रहा है उसके पार जाते हैं। तो वहाँ के भी आपको शॉर्ट दिखाएंगे कि कैसा रहता है वहाँ का सीन। वहाँ पे नहाने के लिए वहाँ पे सही है। अभी थोड़ी गर्मी हो रही है तो हमने कहा थोड़ा सा छाया में बैठते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उस नदी में, तो फिर वहाँ का सीन भी दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। तो मिलते हैं अभी आगे। ये कौन है ये हीरो? हम आए थे यहाँ स्विमिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये छोटी बहन यहाँ दिख रही है। तो अभी इसका भी आज संडे है तो ऑफ होगा, तो यहाँ पे चिल आउट करने के लिए आ रखे हैं। सही है, अच्छी जगह है, काफ़ी फैमिली लोग आते हैं यहाँ पे, तो सही है। देख सकते हो आप कितना क्राउड है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप हर जगह आएंगे लोग संडे के मज़े लेते हुए, मस्त चिल करते हुए। तो अभी हम जा रहे हैं आगे वाले में। कहाँ है सही आगे? तू गया है पहले? मैं तो आया हूँ पहले भी, लेकिन आजकल काफ़ी चेंज हो चुका है ये जगह। पहले ऐसा थोड़ी था, पहले तो मस्त था एंकर। हो गया 4-5 साल तो हो ही गया। 5 साल पहले आया था, तो वो जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, और ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं होती थी। और एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो भी नहीं दिख रहा है आजकल तो। हाँ तो आजकल काफ़ी यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, तो फिर काफ़ी रास्ता वो कर दिया इन्होंने। ठीक है, सबका अपना अपना ग्रुप बैठा हुआ है। अब देखो हमारा ग्रुप कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ हम पहले बैठे हुए थे वहाँ पे ही सही था, लेकिन अब तो काफ़ी दूर है तो गर्मी जैसी हो रही है। फिर खाना हमने उसी रेस्टोरेंट में बना रखा, वो जो पुलिया दिख रहा है वो पुलिया वहाँ पे बना रखा हमने रेस्टोरेंट में। तो लंच वहीं चलेगा हमारा। तो थोड़ी देर हम चिल आउट करते हैं, फिर मिलते हैं। देख सकते हो आप कितना ऑफ रोड हो गया। हमारी पोलो तो यहाँ पे आ नहीं पाती, इसलिए हमने पोलो उस पुल के वहीं पे इम्पल्स आ जाती जो पुराने अली बाइक। हाँ इम्पल्स आ जाती। मॉडिफिकेशन भी अच्छा किया था। हाँ मॉडिफिकेशन भी अच्छा किया था ना आपने उसमें। हाँ ठीक था। अब अच्छा बुरा तो अब लोग ही बता सकते हैं। अब मैंने तो अपने हिसाब से किया था कि हाँ, कलर भी बहुत प्रिटी था, लाइक ग्रीन कलर का था ना, नियॉन टाइप का, तो अलग से रोड क्या बोलते हैं रोड अट्रैक्शन मिलता था उसमें। तो मैं बैठा हूँ तो मुझे पता है ना, अच्छी थी यार। लेकिन अभी इम्पल्स होती तो तू ही चलाता वो। मैं तो अभी पोलो ही चला रहा हूँ आजकल। अब मैं पोलो भी तो चला रहा हूँ भाई। अब मैं पोलो भी चला रहा हूँ भाई, मुझे मामा सिखा रहे हैं आजकल। देख सकते हो हम कितने दूर से आ गए। जो पहाड़ है वहाँ पे है पुल, और उससे हम चलते 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 यहाँ पहुँच गए। और हमारा ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है देखिए। लेकिन यहाँ पे पानी गहरा तो है नहीं, लेकिन लोग तो मस्त चिल आउट कर रहे हैं। देख सकते हो वो आगे जाओगे ना तो आगे थोड़ा गहरा है, जो पुल है ना पुल के नीचे है, मस्त है ना। तो सोच रहे वहीं जाते हैं, देखो क्या बोलते हैं लोग। ऊपर गए थे तो ऊपर पानी घुटने से भी नीचे था, क्या कर सकते थे, दोबारा से नीचे आ गए। इतना दूर आगे तक गए फिर दोबारा नीचे पहुँचा दिया। बताओ कि गर्मी में चलवा रहे, नहाने आए थे हम तो फिर अब जा रहे हैं हम वही भगड़ वाले बल्कि भीड़ है। अब वहीं पे जाके नहाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें तो नॉर्मल है। तो जाते हैं वहाँ पे। बेसिकली हमारा बहुत गंदा गड्ढा है, धक्का दे रहे हैं, बहुत गंदा गड्ढा है। लोग और बेचारे बिना चप्पल के चल रहे हैं, आगे बिना चप्पल आ रहे। बताओ। तो फिर हम वो ऊपर दिख रहे हैं वो आगे, हम वहाँ से नीचे दोबारा आके तो अब हम नहाएंगे इस वाले पानी में। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा पानी है, गहरा भी है, तो देख सकते हैं ये भाई लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और तो हम भी अब चेंज वेंज करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। लेकिन बहुत भीड़ है यार, आज बहुत भीड़ है, संडे है तो देख सकते हो सारे मछुआरे तैर रहे लग रहे हैं यार, सारे मच्छियाँ मच्छी और मछुआरे। हम भी तैर रहे हैं। बाकी भाई लोग गर्मी में मजे ले रहे हैं पानी के। कुछ इस तरीके का वेदर है यहाँ पे, और ये रहा लोकेशन। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come, we must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so, we must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Guys, हमारे लिए इन्होंने इतना सी रख दिया है। क्या ये? अपने खाते में नहीं दिखाया ना, घोड़े ने सबसे ज़्यादा खाया है, घोड़े ने। कबूतर को चारा दे रहे टाइम से, देखो तो इतना दे रहे, कोई बात होती है बताओ। भर के था भाई, जब मैंने देखा था भरा हुआ था। ये कबूतर, इस कबूतर को चेल ले, कबूतर खा दूंगी ले, कबूतर खा ये बताओ। हमने अपने लिए मांगा, इन्होंने पूरा चढ़ दिया है। अब फड़फड़ा फिर जल्दी जा अरे यार जा फिर, मगरमच्छ एक बार खुद तो सही। ये गया एनाकोंडा, मगरमच्छ चिड़िया के लिए, चिड़िया कबूतर चिड़िया सब है। देखो ये यहाँ पे स्विमिंग सिखाते हुए मछुआरा है, मच्छी को स्विमिंग सिखाते हुए। आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं कर रहे? समय नहीं आता, थोड़ा बहुत ऐसे, थोड़ा बहुत ऐसी पैर फड़फड़ा लो फिर क्या पता आ जाए आपको। हेलो गाइस, वेलकम। ये देखो एक मगरमच्छ ये है, एक मगरमच्छ वो है। एक मगरमच्छ पानी में बाहर आ गया। ये देखो दो मगरमच्छ एक मछली के साथ नहाते हुए। हेलो गाइस, आ जाओ। ये देखिए इसका सिनेमैटिक लुक। इसको तैरना आता नहीं है फिर भी कोशिश कर रही है। ये खतरों के खिलाड़ी बन रही है। इसे स्विमिंग करना नहीं आता है बट कोई ना, ट्राई तो कर ही रही है। नींद आने से अच्छा तो ट्राई करना अच्छा है। गहरा है ये मगरमच्छ, देखो ये यार सही में मगरमच्छ वाला ही था ये। लेकिन इसको तैरना नहीं आता, लेकिन ये फिर भी वह खतरों के खिलाड़ी बन के तैर ही जा रही है। गहरा है लेकिन ना, अच्छा खासा गहरा है। तो अब मैं भी स्विमिंग करता हूँ यार, बहुत हो गया। People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. अभी थक गए हम, 2 घंटे से हम स्विमिंग करते करते, लेकिन ये अभी भी कर ही रहे हैं, इन्हें थकान नहीं लग रही। आज मैंने बेटर किया है पिछले बार से। इन्होंने आज इतना स्विमिंग कर दिया ना, ये काफ़ी सीख चुकी है। अभी नेक्स्ट टाइम आएगी ना तो क्या पता वैंग वो उस वहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए वैंग वो सीधा वहाँ तक स्विमिंग करूँगी बोल रही है। लेकिन नॉट बैड, अच्छा था तुम्हारा आज का ट्राई। हाँ कोई नहीं। और आप कहाँ जा रहे हो? ये जा रही है चेंजिंग रूम में। क्या पता आपको वॉइस नहीं आ रही होगी इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग भी अभी चेंज वेंज करते हैं, फिर आपको मिलते हैं, ठीक है? ओके। स्विमिंग करके चेंज वेंज करके आ चुके हैं और देख सकते हो अभी भी लोग आ ही रहे हैं। देख सकते हो मतलब क्राउड कम ही नहीं हो रहा। जब तक तो धूप नहीं जाएगी आई थिंक हमको लग रहा तब तक कोई नहीं जाएगा। और ये है अपना ग्रुप और बाकी लोग सब ऑलरेडी पहले से ऊपर पहुंच चुके हैं। और जो पुल के बगल में दिख रहा है होटल, वहीं पे हमने खाना वाना बना रखा है तो हम वहीं जाके खाते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। देख सकते हो क्राउड, देखो क्राउड, संडे फंडे। ये देखिए हमारा ग्रुप उधर बैठ चुका है तो वहीं पे हम लोग अभी लंच करेंगे। और देख सकते हो कितना क्राउड है। देखो बाकी चीज़ हम घर से बना के लाते हैं। यहाँ पे चिकन और वो बनवाया, बाकी रोटी वगैरह भी है। रोटी अब मैंने कहा भी मेरा तो मन नहीं था, तो आप देख सकते हैं। कर लिया। आपको कैसा लगा फिर आज स्विमिंग वगैरह? ऐसा लगा कि बिल्कुल आज ऐसा लगता है मैं आज हवा में हूँ, इस टाइप का लगा। आप भी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कैसा लगा आप ही बता दो। बहुत बढ़िया, दोबारा यहीं रहो फिर, बढ़िया लगा तो। और चलो हम इतने आए थे और अब जाते हैं घर की तरफ। तो देख सकते हो हमने इस रेस्टोरेंट में लंच किया था और हमारी गाड़ी में भी सामान हमारे डाल चुके हैं। और अब है ब्लॉग को एंड करने का टाइम। और काफ़ी अच्छा लगा आज, काफ़ी टाइम बाद मतलब संडे हमारा मतलब इतना प्रॉपर गया। आज स्विमिंग वगैरह किया और लंच वंच किया, आउटिंग किया, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। और क्या बताऊँ, तो आप भी आना अमिया। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।